चूना पैक होता है। बोला भाई एक काम करियो, कल दरबार में जब तुम्हें चूना चाटने के लिए निकलना है घर से, उससे पहले सवा से घी पी लियो। वैसे ही उस व्यक्ति घर से घी पी के गया और जाके पहुंचा दरबार में, चलो बैठ जा चूना चाट, लाया चूना बोला आज ही है आते ही ना देखा ने बोला और चाटना शुरू कर दी। बात पहले ही तय थी कि वहां से उसी समय निकलना है और राजा ने भी बोला भाई घर पहुंच चल, कोई कोई रोकेगा कि वहां कोई तड़ तड़ के वाले। वो घर पहुंच घर के लिए निकला, पहुंचते घर से जाते ही देसी घी तो अंदर था ही, पहले उल्टियां फुलटियां सब साफ हो गई। थोड़ी देर बेचैन का दिक्कत हुई परेशानी हुई, फिर धीरे 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 सेट होता रहा। रात को 3-4-5 घंटे की नींद ली, सुबह फ्रेश नया धोया, बोला चलो वही दरबार ही चलो काम पे चलो। जैसे ही दरबार में पहुंचा सब हैरान किए, तो बहते मर गए थे कहाँ से आ गए, मुंह से कैसे बाहर आया। बोले जी बस आ गए वो भगवान की। बोला सच बोल। बोला जी सच बोलते थे। बोला कुछ नहीं हुआ सच बता। उन्होंने बताया मैं मार्केट में गया था उसके पनवाड़ी के पास सवा से चूना लेने। उसने मेरा बुझा मन देखा, बुझा चेहरा देखा, उसने पूछा क्या करेगा, मैंने बात बता दी। उसने बोला पहले सवा से घी पी ले और जाके चाट ली। मैं सवा से चूना चाट के घर की तरफ लौटा और जाके सब निकाल दिया, साफ हो गया। बोला फिर पनवाड़ी का नाम बता। बोला महेश दास। सिपाही भेज दिए, बोले उठा के लाओ जवाब भी है महेश दास जी। महेश दास को उठा के लाया गया, भगवान लाया गया सामने बिठा दिया कि हाँ भाई मौत से निकाल दिया। बोला जी ये चूने से परेशान था, मैंने हल दे दिया। राजा ने बोला मेरे साथ रहेगा आज से। बोला तू जो वहां कमाता उससे 10 गुना ज्यादा कमाई। वही टिका लिया उस व्यक्ति, टिका क्या लिया, एक उपाधि थी जो नाम दुनिया में आज भी बच्चों के पहाड़ में फेमस है, वीर बल। वीर का बल जिसके पास दिमाग का बल, ईश्वर किसके साथ। लेकिन पनौती लगी रही, आगे नहीं बढ़ पाए, नीचे जाते चले गए, बढ़ नहीं पाए। नशे वाला पहाड़ कर लिया, वो गोल जो था वो हर बार पूरा किया नशे वाला।